विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजेश कुमार चुन्नू द्वारा लगातार गांव हो रहे हैं सैनिटाइजर। कांड विधानसभा क्षेत्र में विधायक राजेश कुमार सिंह और चुन्नू के द्वारा गठित टीम कोरोना वॉरियर्स के संयोजक चौधरी विक्रांत सिंह के द्वारा किए जा रहे विधानसभा के गाँवों में सैनिटाइजर के क्रम में आज टीम ने ग्राम निघी, असगरीपुर, खाना खानपुर और बिचपुरी पहुंचकर प्रत्येक घर को सैनिटाइज किया। प्रत्येक दिन विधानसभा में ये कार्य कराया जा रहा है। प्रत्येक दिन के बाद ही विधायक ने पहुंचकर टीम द्वारा किए जा रहे कार्य का निरीक्षण कर टीम के सदस्यों व ग्रामीणों को सामाजिक दूरी बनाए रखने व अनावश्यक कार्य से बाहर न निकलने की अपील की। ग्राम प्रधान देवेंद्र चौधरी, जयपाल सिंह, मयंक अग्रवाल, सुमित दिवाकर, मनेन्द्र पाल, विपुल चाहल, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, अरुण चौधरी, वीर सिंह, विक्रम सिंह, रोहित कुमार एवं समस्त भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो सैनिटाइजर करा रहे हैं, किन किन गांवों में हो चुका है और कितने दिन से आप करा रहे हैं, कितने दिन तक और कराएंगे? सैनिटाइजर तो हम करीब लगभग पिछले एक माह से करा रहे हैं और अब तक लगभग 50 गांव में हो चुका। गांव के नाम पूछने जाते हैं, मैं गांव की लिस्ट भी दे दूंगा, लेकिन आज जो हम खड़े हैं यहाँ, ये गढ़ी असगरीपुर गाँव कहलाता है हमारा। यहाँ कितने गाँव में कराना था आज आपको? आज हमें तीन गाँव कराना था, चार गाँव कराना था, दो तो निगी हो गई, इसी गांव के मजरे दो निगी में हो गया, इसमें हो गया और अब अगला गांव जो है मजरा उसमें चल गया। कितने दिनों तक और चलाया जाएगा? जब तक ये डिमांड रहेगी, जिन गांव से हम पे डिमांड आती रहेगी और कोरोना का प्रभाव रहेगा, हम तब तक अपना काम जारी रखेंगे। अच्छा, और कोई विशेष कार्य है जो आपके गांव के हित के लिए कोई कार्य है? विशेष कार्य तो हमारे देखो, अभी जिस रोड से आप निकल के आए छजदैट से, ये छजदैट से लेके और कोटी खिदमतपुर तक 9 किलोमीटर रोड है, ये हमारे इन 50 गाँव की रीढ़ की हड्डी है जी। ये इस रोड का बहुत महत्व है और इस रोड को हमने इस बार चौड़ा कराया और अब मैं समझता हूँ 2 महीने के अंदर ये बनके तैयार हो जाएगी। ये हमारा विशेष काम है इस क्षेत्र में आपके जी। क्या कोई इसमें सवारी पवारी का भी कोई साधन होगा? हाँ, जब ये रोड 5.5-6 मीटर चौड़ी बन रही तो सवारी इस पर अपने आप चल पड़ेगी। छजदैट से लेकर कोटी खिदमतपुर तक ये 9 किलोमीटर के टुकड़े में टेम्पो वगैरह चल पड़ेंगे, फायदा हो जाएगा। इस गांव में नल लगवाया हमने, एक शमशान के लिए एक रोड दी है, अभी लॉकडाउन में बन नहीं पाई लेकिन रोड दी है शमशान के लिए हमने एक गांव, और भी अगर काम तो जो रजिस्टर में होंगे मेरे ख्याल से मुझे एक आध काम और भी है गांव में। इससे अगले गांव में भी मैंने एक खड़ंजा कराया जिसमें अब सैनिटाइजर चल रहा है, उसमें एक खड़ंजा कराया मैंने। इससे पिछले गाँव में 1 किलोमीटर खड़ंजा कराया, जिसमें ज़्यादातर सब गाँव में काम है, केवल ये क्योंकि अब 3 करोड़ की निधि रुक गई इस लॉकडाउन की वजह से, इसलिए अब 40-45 गांव काम हमारे वापस आ गए, इन आगे देखते हैं क्या। और गांव के लिए कोई और कोई कार्य है? गांव के लिए तो यहाँ तो हमारे देखो सबसे बड़ी समस्या आप देख रहे हो गन्ने की खेती है, और गन्ने की जो है प्रॉब्लम लोगों को अब की बार रही तो नहीं, लेकिन आगे प्रॉब्लम आने की संभावना है क्योंकि गन्ना ज़्यादा है और मिलों पर जो है बहुत स्थिति इस बार टाइट रही, तो हम ये सोचते हैं कि मिलों पर थोड़ी बहुत इनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए मिलों की, या इनके गन्ने के लिए और कोई व्यवस्था करी जाए, विस्तार करा जाए। अच्छा, क्या किसानों की जो पर्चिया वर्चिया का क्या मामला है वो? पर्ची किसानों की? हमारे क्षेत्र पर्ची कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों ने बताया गया है कि हमारी पर्ची है अभी कुछ आई थी जो कट गई है, कुछ रही है ऐसा है। गन्ने की पर्ची जो बेसिक कोटा होता है उसके हिसाब से आती है, तो कुछ लोग सभी लोग ये चाहते हैं यार हमारी पर्ची पहले आ जाए तो हम सबसे पहले गन्ना डाल लें, लेकिन गन्ना की जो सरकार ने व्यवस्था बना रखी है बहुत सटीक व्यवस्था बना रखी है कि छोटे काश्तकार की पर्ची पहले आएगी ताकि वो भी हमारे साथ ही गन्ना सबका साथ साथ ही खत्म हो, बाद में आके थोड़ी हाय तो इसलिए बचती कि हर आदमी ज़्यादा गया जल्दी से मैं अपना गन्ना काट के और गेहूँ बोलूँ, क्योंकि गन्ना बहुत था, सरकार ने बहुत संभाला इस बार, तो थोड़ा सा सीजन लेट हो गया, वो भी सिवारा मिल का मेल अब तक चल रहा, लेकिन बाकी जो मिल है